सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों, मेरे शहजादो। देर हो गई वीडियो अपलोड करने में यार, ज़रा बिजी हूँ, काम शाम के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है, पता ही नहीं लगता दिन कैसे गुजर जाते हैं। खैर, माजरत सारों से तखीर करने में। बहुत सारे लोगों का रिव्यू इस वीडियो में है, बहुत सारे लोगों के जो सिंगल सिंगल शॉर्ट्स आए थे मेरे पास, वो मैंने उनको रिव्यू करने की कोशिश की है। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ अच्छे नहीं लगे। मोटिवेट करने की कोशिश की है कि इससे ज़्यादा बेहतर शौक हो सकता है, इससे ज़्यादा बेहतर शौक बनाएं, बेहतर शौक करें, ताकि आपको आज नहीं करेंगे, आज नहीं बदलेंगे तो कभी भी अच्छे की तरफ नहीं जा सकते। तो अच्छे की तरफ जाएं, अच्छा शौक करें, अच्छे की तरफ जाएं। वीडियो गौर से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर गेम हो जिनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती हो, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हों। जितनी समझ मुझे है, मैं उस हिसाब से मैंने इसको रिव्यू किया है, उस हिसाब से मैंने रिव्यू देने की कोशिश की है। जिसमें खूबसूरती थी उसको बताया, गेम के लिहाज से मैं कम कमेंट करता हूँ। हाँ, जिसमें कोई चीज़ मुझे लगी, मैं इस तरह का नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ में मोटे नोके ढूंढूँ, हर चीज़ में दसी हुई आंखें ढूंढूँ, हर चीज़ में कहूँ कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है देखने का इन परिंदों को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इन परिंदों को देखने का है कि इनमें कितनी, किस चीज़ में कितनी क्वालिटी है। मैं उसी चीज़ को बताता हूँ कि इसमें इतनी क्वालिटी है और इसमें इतनी क्वालिटी नहीं है। जो चीज़ एक चीज़ में अच्छी है उसको हाईलाइट होना चाहिए। बुराइयाँ तो सब में होती हैं कि नहीं? बुराइयाँ सब में होती हैं। कुछ चीज़ें जो अच्छी लगी वो मैंने की, जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मैंने उसको हाईलाइट ही नहीं किया। तो वीडियो गौर से देखें, पूरा देखें, मुकम्मल देखें, और इंशाल्लाह सबकी वीडियो बनेगी। जितनी वीडियो मेरे पास हैं जो सही होंगी उन सबकी वीडियो बनेगी। ठीक हो गया, तो वीडियो देखें। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, ये सबसे पहले मुर्गा आउट क्लास। ये जिस भाई का मुर्गा है, भाई अच्छा है, परमोज है, इसमें टच लग रहा है थोड़ा सा, दूसरा ज़रा बाहर वाला है, कुछ मिला जुला काम लग रहा है। लेकिन मुझे इसका कोई बॉडी शेप, इसका जो जिसना है, मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। देखने में आउट क्लास है, शदीद मजबूत है, हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतर हो सकता था। ये मेरे जिस भाई का मुर्गा है, ये खुले खुले कील का शौक करता है, आउट क्लास चीज़ है यार। जिसे कहते हैं ना रेजे, पहले मैं देखता होता था ऐसे, आउट क्लास चीज़ है यार। ये भी जिस मेरे भाई का शौक है, इसका मुर्गा अच्छा है, लेकिन मुझे हड में ज़्यादा लगा, लेकिन जो इसकी गर्दन का जो मजबूती है मुझे कम लगा। मुझे लगा कि ये खुले कील का शौक करता है। इसकी नली, इसकी जिसामत, इसका प्रेल होना बताता है कि ये कोई खुले कील वाला मेरा भाई पिंडी से या पेशावर से कोई ऐसी जगह से है जो ये शौक करता है। लेकिन अच्छा शौक है खुले कील के लिहाज से। नली आउट क्लास है, चेहरा मोरा बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूती में थोड़ा कम लगा। जिस भी भाई का ये वाला नारा, मेरी उसको सजेशन है, सबसे पहले इससे ज़्यादा बेहतर करे, इससे ज़्यादा बेहतर शौक हो सकता है। मादी भी और नर भी, बुरा नहीं मनाना, लेकिन मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि इससे कहीं 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 ज़्यादा अच्छा शौक बन सकता है, बनाया जा सकता है। मुर्गे की नली बहुत अच्छी है, लेकिन मुर्गे की शेप मजबूती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक ना मादी थी और ना नर था। इससे बेहतर शौक करो। ये नर जिस मेरे भाई का है, बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने, पतील जुस्से का है, अच्छी गेम, अच्छा जो एक होता है उस हिसाब से है, कद अच्छा है, नली अच्छी है, खूबसूरत है, हाइट में अच्छा है, मतलब इसकी जिसामत और जो इसका स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि इसके अंदर कोई बात है, इसके अंदर कोई क्लास है, होगा अच्छा, अच्छा है। लेकिन ये इसका हड बनाया जा सकता है, भाई ने नंगा तो कर दिया है, लेकिन नंगा करके जिसम इसका कम बनाया हुआ, इसका जिसम भी बनाओ, चौड़ा करो इसको। अब ये जिस भाई का है, ये भी खुले कील का मेरा ख्याल शौक करता है। मादी खुले कील के हिसाब से मादी का जो रंग रूप है, जो शक्ल है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इससे बेहतर हो सकती थी। मुर्गा हड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्दन के लिहाज से या उस हिसाब से चुस्ती फुर्ती नहीं है मुर्गे में। ये पट्ठा सा है, अच्छा है, अभी बनेगा तो ज़्यादा बेहतर पता लगेगा, लेकिन अभी शेप वगैरह रंग वाइज सारा कुछ इसका बहुत अच्छा है।
अच्छा बन जाएगा, मजबूत बनेगा। अच्छा लगा मुझे, इसमें कोई कमी इतनी ज़्यादा मुझे लगी नहीं कि इसको बदलना चाहिए, सही है। अब ये तस्वीरें मेरे भाई ने भेजी हैं, इसकी नलियाँ कील बहुत अच्छे हैं, कीलकार होगा, बहुत तेज़ होगा, उड़ता होगा, कील ज़्यादा मारता होगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ये भी अट्रैक्ट नहीं किया। मैं ये कहूँगा भाई को कि इससे ज़्यादा बेहतर शौक बनाए, एक ही चीज़ एक ही रखने से बेहतर है कुछ ऐसा रखे जिससे मज़ा आए देखने का, और ज़्यादा हो सकती थी मजबूती में, बिल्कुल नहीं है मुर्गा, मुझे ये पसंद नहीं आया। आगे ये मेरे प्यारे भाई लुंडा मुंडा सा टांगों का थोड़ा सा बेचारे को मसला लग रहा है, ये इतनी दूर से वीडियो है कि मुझे ये फौजी के बारे में सही पता नहीं लग रहा कि ये है क्या, और वीडियो हिल भी रही है। चले खैर बार, लुंडा मुंडा सा आउट क्लास चेहरा यार, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया चेहरा देख के इसका, खुले कील का, क्लास की दुम, क्लास की नली, क्लास का चेहरा, मादी का और नर का दोनों का, बहुत बहुत क्लास। खुले कील में मेयार होता है ना, जो ये मेयार है, मुझे मज़ा आ गया यार। बड़े अरसे बाद खुले कील में कोई देख के, एक वो पहले जो देखा था जावा सा और एक ये, मज़ा आया यार। कोई कमी कहाँ से निकालूँ, इसका चेहरा देख, मोरा, दुम शुम, नली, हर चीज़ मज़ेदार है खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैं कुलों का शौक नहीं करता, लेकिन खूबसूरती में 100/100 है, मज़ा आया। उसके बाद आउट क्लास चेहरा, ज़बरदस्त चेहरा है मुर्गे का, और नली बहुत अच्छी है, कील बहुत पॉइंट पे है, सारा कुछ अच्छा है, और बस वाडू है थोड़ा सा काटने वाला लगता है मुझे, जिसकी वजह से इसका एक पॉइंट कट जाएगा। बाकी मुर्गा ठीक है मजबूती में, गर्दन इसकी कम है, बॉडी वाइज बहुत पतला है, अच्छा होना चाहिए था, शेप अच्छी है, चेहरे का स्ट्रक्चर अच्छा है, बेल अच्छी है, लेकिन मुझे मजबूती में यह कम लगा। होगा अच्छा, बट मुझे ये मजबूती में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया कि